प्रिय देशवासियों, ये देश करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से बना है और आज भी सरहद पे हमारे फौजी भाई इस देश की सुरक्षा में लगे हैं। लेकिन इस आजाद भारत में आजादी का नाजायज फायदा उठाने वाले लोग भी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की दूसरी लड़ाई आजादी की लड़ाई से कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के सिस्टम में, यहाँ के लोगों के खूनों में भ्रष्टाचार जैसे खून की तरह बह रहा है। जो योजनाएं, जो सुविधाएं दिल्ली से चलती हैं, बंबई से चलती हैं, लखनऊ से चलती हैं, हर राज्य के राजधानियों से चलती हैं, वो सुविधाएं गांव के किसान तक नहीं पहुंचती, गांव के मजदूर तक नहीं पहुंचती, गांव के आम आदमी तक नहीं पहुंचती। अगर हमारा स्वास्थ्य, अगर हमारा पानी, अगर ये दूषित हो गए, प्रदूषित हो गए, तो एक आम इंसान कैसे जिंदा रहे। अगर हमारा शिक्षा का पूरा सिस्टम फेल हो जाए तो नए राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। बजट के दौरान सबसे कम बजट स्वास्थ्य पर रखा जाता है, सबसे कम बजट शिक्षा पर रखी जाती है। मैं देश के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नाम पे आप जिन विधायकों और सांसदों को जिता के भेजते हो, एक बार आप उनसे इन 5 सालों में किए हुए कामों का विवरण तो मांग लो। प्राइवेट में नौकरी करते वक्त तनख्वाह बढ़ाने के पहले उसके 1 साल की परफॉर्मेंस अप्रेजल देखी जाती है। लेकिन यहाँ हम जिन नुमाइंदों को चुन के विधानसभा और लोकसभा भेजते हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनके 5 साल के परफॉर्मेंस को देखें, पूछें, कमियों को गिनाएं। शायद लोकतंत्र का यही ताकत तकाजा है और यही ताकत भी है कि जनता सवाल पूछे, जनता जागरूक हो, जनता जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण करें। क्योंकि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए इन पिछले 60-65 सालों में ऐसे बहुत सारे काम छोड़ दिए हैं। कुर्सी की लालच में कांग्रेस के नेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। इस देश की 125 करोड़ जनता ने भाजपा और मोदी जी पे यकीन किया है, लेकिन पिछले 4 साल के बाद बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ने लगी हैं, जिसमें मोदी जी को भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, अपने नेताओं का रिजल्ट बनाने की आवश्यकता है, ताकि कोई सुविधा, कोई योजना अगर दिल्ली से चले, राजधानी से चले, तो एक किसान, एक मजदूर, एक नौजवान पर जरूर पहुंचे। वंदे मातरम।